गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू मैथ सेशन. स्टूडेंट, टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिविजन स्टेशन. ओपन द टेक्स बुक पेज नंबर 123. बट बिफोर स्टार्टिंग रिविजन स्टेशन वी विल सी अवर मैथ्स लैब एक्टिविटी. ओके, सो ऑब्जेक्टिव टू ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, मिरर इमेज एंड टेसिलेशन. एक्टिविटी में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री, मिरर इमेजेस एंड टेसिलेशन ड्रॉ करना है. मटेरियल रिक्वायर्ड, नोटबुक एंड पेंसिल. सो ये जो है ये क्लास वाले एक्टिविटी दी है, तो आपको क्या करना है. देखो स्टूडेंट, आपको ये एक्टिविटी के लिए चार इमेजेस निकालनी है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. देन चार और इमेज निकालनी है जो जिनकी मिरर इमेजेस आपको निकालनी है, और दो टेसिलेशन के पैटर्न्स निकालने हैं, टाइल्स के पैटर्न निकालने हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स में कलर करने हैं उसको. ओके, मतलब 4 + 4 = 8 + 2 10 थिंग्स आपको निकालनी है, और ये जो एक्टिविटी दी है ये कंप्लीट करनी है. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट रिवीजन स्टेशन व्हिच इज ऑन पेज नंबर 123. ड्रॉ द मिरर इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. ये जो फिगर्स है इनकी मिरर इमेजेस हमें ड्रॉ करनी है. मिरर इमेज ड्रॉ करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि वो इमेज जब हम फोल्ड करेंगे तो क्या होनी चाहिए, बराबर इस इमेज पे क्या बैठनी चाहिए. ओके, तो ऐसे हमें वो मिरर इमेज ड्रॉ करनी है. तो इसकी मिरर इमेज हमें यहाँ पे ड्रॉ करने को बोली. ठीक है, सो अगर हमें फोल्ड करते हैं तो बराबर उस पर वो बैठेगी, है ना. उस हिसाब से आपको क्या करनी है, मिरर इमेजेस ड्रॉ करनी है. सो ये जो दोनों है वो आपको करनी है, ये ऐसे आएगी. ओके, और ये इस साइड से आएगी. सो ये आप कर लो. ओके, देन नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फाइंडिंग द पैटर्न. सो यहाँ पैटर्न दिया है, हमें फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न है. 76 - 26 = 50, देन 75 - 25 = 50, देन 74 - 24, यस वेरी गुड, = 50, देन 73 - 23 = 50, 72 - 22 = 50. सो यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है स्टूडेंट हमें, जो सबट्रैंड और माइनड है वहाँ पे -11 किया गया है ना, और जो आंसर है वो क्या है, डिफरेंस सेम है. ओके, तो हमने लिख दिया है. देन नेक्स्ट, 0 × 9 + 1 = 1, 1 × 9 + 2 = 11, देन 12 × 9 + क्या आएगा, 3, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ रहा है ना. देन 123 × 9 + 4, 1111. आपको ऑब्जर्व करने से ही पैटर्न क्या चल जाता है यहाँ पे पता चल जाता है ना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स. ये जो फिगर्स दी है इनके लिए हमें क्या करनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. अब देखो, अब अगर आप इसके लिए ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री करते हो तो भी क्या हो सकता है, टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो सकता है ना. लेकिन अगर ऐसे करोगे तो होगा क्या, नहीं होगा, है ना. ये बड़ा वाला पार्ट आ जाएगा, ये छोटा आ जाएगा. देन ये जो पॉट है इसको आप अगर ऐसा करते हो तो ये पार्ट अलग होगा, ये पार्ट अलग होगा. हमें क्या चाहिए, टू इक्वल पार्ट चाहिए. तो यहाँ पे भी आपको ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. वी शेप है तो वी में भी आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. ओके, सो इसमें भी आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. ओके, सो यहाँ पे प्रॉपरली आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ करनी है स्टूडेंट. ठीक है, स्केल के हेल्प से. देन नेक्स्ट, लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन फाइंड अराउंड योर सेल्फ. ड्रॉ देयर मिरर इमेजेस टू. आपको क्या करना है, आपके आसपास में सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं क्या स्टूडेंट आपको? यस, होते हैं ना, फ्लावर होते हैं देखो आपके आसपास में. सो फ्लावर, अगर कोई भी फ्लावर हो तो जो फ्लावर होता है वो आप क्या कर सकते हो, इक्वली डिवाइड कर सकते हो टू पार्ट्स में, और उसकी मिरर इमेज भी आपको ड्रॉ करनी है. ओके, तो ऐसे आपको 4 थिंग्स लेनी है जो आपके आसपास में दिखाई दे रही है आपको. सपोज लीव्स है ना, सो जो पत्ते होते हैं पेड़ के ऐसे, तो उनकी भी आप क्या कर सकते हो, मिरर इमेज बना सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री उनमें भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके, और कौन सी थिंग्स है, स्माइलीज होती है, बॉल्स होते हैं, सन, मून,
काइट्स, ओके, बहुत सारी थिंग्स होती है, फोर से भी ज़्यादा आप कर सकते हो। क्या करना है, वो इमेज ड्रॉ करना है और उसकी मिरर इमेज भी आपको ड्रॉ करनी है। पहले वो इमेज कर लो, सपोज आपने एक कोई भी स्माइली ली है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल दो, उसके आगे लाइन ऑफ सिमेट्री अलग करो और मिरर इमेज अलग करो, अगर इतना भी किया तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको करना है, ओके। और कहाँ पे करना है, आपकी मैथ्स की नोटबुक में, ओके। अब देखो नेक्स्ट, कंप्लीट द टेसेलेशन एंड कलर इट ब्यूटिफुली। ये टेसेलेशन आपको कंप्लीट करना है और इसको कलर करना है। तो ये टेसेलेशन क्या है, ये स्टाइलिंग का पैटर्न है, ओके, टाइल्स का पैटर्न है, तो ये आपको प्रॉपरली कलर करना है। अब अगर आप एक टाइल को वो कलर देते हो जो आपको मन, जो आपको अच्छा लगता है, तो वही दूसरी टाइल को देना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉपर क्या बनना चाहिए इसमें, ऐसा कुछ तो पैटर्न बनना चाहिए। अगर सपोज ये टाइल्स को आप ऐसे कलर कर रहे हो थ्री कलर से, तो आफ्टर वन टाइल या फिर उसके पास वाली वन टाइल या फिर उसके डाउन साइड वाली वन टाइल, ऐसा कुछ तो एक पैटर्न बनना चाहिए, ऐसा आपको कलरिंग करना है, ओके। सो ये भी आपको करना है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है स्टूडेंट। जो 123 पे रिवीजन स्टेशन है वो आपको कंप्लीट करना है, उसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करना है। साथ में हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम तक के चैप्टर से यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यस वेरी गुड, स्टडी करना है, साथ में आपकी नोटबुक मेंटेन रखनी है, ओके। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय।